पौधा बार बार मर जाता है। इसके पीछे एक ही कारण होता है कि हमारे अराउंड यानी कि हमारे जहां भी वो तुलसी का पौधा है, यानी कि अगर वो मेरे घर में रखा है तो इसके मतलब मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं अनप्लेजेंट वाइब्स जो हम कहते हैं, दूषित ऊर्जा, वो हमारे घर में है। अब हम उसे कैसे दूर करेंगे? या तो पहले तो हमें देखना होगा कि तुलसी का पौधा जो इतना ऑस्पिशियस माना जाता है, शास्त्रों में भी उसका बहुत गुणगान किया गया है और उसकी बहुत महत्व है, इसे कहाँ होना चाहिए? इसे हमें नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे लिए हम कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है, जहाँ पे हम भगवान को स्थापित करने की बात करते हैं, वहां पे वो एकदम सही डायरेक्शन है तुलसी के पौधे की। इन केस अगर आपके घर में ये सुविधा नहीं है कि आप उसे वहां पे लगा सकें, तो आप ईस्ट में भी उसे लगा सकते हैं। कहाँ नहीं लगाना चाहिए? अगर हमारा पौधा बार बार मर रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका मतलब हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हम उसे पानी दे रहे हैं लेकिन वो नर्चर नहीं हो पा रहा, राइट? तो आप चेक करेंगे कहीं ये पौधा आपने साउथ में तो नहीं लगा रखा है। अग्निकोण या साउथ जो है वो अग्नि की को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ये वहां पे तो नहीं है? हो सकता है इस वजह से वो बार बार मर रहा हो। एक आपने और भी देखना है कि कहीं ये पौधा आपने अपने छत पे तो नहीं लगा रखा है। छत पे भी कभी भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। तो ये दो जगह पे अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्यों इस तरह से मर रहा है। ओके, इसे चेक करिए एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।